अमरकंटक से रामेश्वरम जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित होकर अचानक पलट गई। हादसे में कुछ श्रद्धालुओं को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डिंडोरी के केकरझर घाट में श्रद्धालुओं से भरी बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, हालांकि बड़ा हादसा होने से टल गया। बस में करीब 55 श्रद्धालु सवार थे, जिनमें कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन एक बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। साढ़े 11-12 बजे की घटना है, इसमें ऐसे कोई हताहत नहीं है। नॉर्मल 8 या 9 लोग हैं जिनको नॉर्मल चोटें आई हुई है और बाकी सब जो है पूरी तरह से ठीक है। मरीज है जो थोड़ा दर्द बताए कुछ आ रही है, उनको रात में रेफर कर दिया गया था जिला चिकित्सा। देर रात घटनास्थल पर पहुंचे एसडीएम रामबाबू देवांगन ने बताया कि सभी श्रद्धालु सागरवार रायसेन जिले के रहने वाले हैं, जो कि अमरकंटक से दर्शन करके रामेश्वरम के लिए जा रहे थे, तभी अचानक यह हादसा हो गया। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल श्रद्धालुओं को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, यहाँ घायलों का इलाज चल रहा है। सागर जिले से रामेश्वरम के लिए टूरिस्ट बस थी, जिसमें लगभग 70 लोग सवार थे और रात्रि के समय अचानक बस जो है अनबैलेंस हो गई और मोटा एक पलटी खाई है। इससे तो 5 लोगों को सामान्य चोटें आई है, उसे जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है और बाकी सभी जो यात्री हैं सुरक्षित हैं। यात्रियों को अस्पताल परिसर में जो पाया गया कार्यवाही की व्यवस्था की गई, सुबह नाश्ते की व्यवस्था कर दी गई और बस भी वो कंपो के पास पलटी है और समनापुर प्रॉपर और आसपास के लोगों के द्वारा बहुत मदद की गई है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।